दो दिन पहले आपने साक्षी महाराज को लेकर अपना स्टेटमेंट जाहिर किया था कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से एक उन्होंने एक बात कही कि मैं सेकुलरिज्म की बात करने आया। साक्षी महाराज मालेगांव शहर के अंदर आज से नहीं कई दिनों से आ रहा है। उसके परिवार के लोग मालेगांव शहर के अंदर कई दिनों से मुकाम भी कर रहे हैं। जो आदमी कल सेकुलरिज्म की बात करता है कि मैं सेकुलर हूँ, वह आदमी मालेगांव शहर के मुसलमानों को धोखा दे रहा है। मालेगांव शहर हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ में जो नफरत रखता है साक्षी महाराज, हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ में बयान दिया हो, मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया हो, ऐसे शख्स को मालेगांव शहर के अंदर हम लोग बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। कल किस्मत अच्छी थी कि मैं मालेगांव में नहीं था, नहीं तो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार के अनुसार मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मैं ज़रूर बड़ा आंदोलन करता, लेकिन आज मैं मालेगांव शहर के पुलिस प्रशासन से और महाराष्ट्र की हुकूमत से कि साक्षी महाराज की इंक्वायरी होना ही चाहिए, मैं इस मामले में रुकने वाला नहीं हूँ। कोई कितना भी मालेगांव शहर के आवाम को धोखा दे, मैं मुकम्मल इंक्वायरी की मांग करूँगा। मुझे जो मालूम जानकारी हासिल हो रही है कि करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट मालेगांव शहर के अंदर मुस्लिम इलाके के अंदर किया जा रहा है, उसकी भी इंक्वायरी मांगूंगा और कुछ सबूत मेरे हाथ लग चुके हैं, मैं महाराष्ट्र की सरकार को पहुंचाऊंगा।